पुलिस ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें देहरादून के आर्य नगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कॉलेज में रजिस्ट्रार रहे संदीप कुमार पर अपने सरकारी दस्तावेज गायब करने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर संस्थान ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पौड़ी जनपद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल के तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव डॉ. संजीव नाथानी ने कोतवाली पौड़ी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि संदीप कुमार ने वर्ष 2018-19 में हुई शिक्षकों और कुल सचिव पदों पर नियुक्ति साक्षात्कार प्रक्रिया के सरकारी महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किए थे। सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पौड़ी में आरोपी संदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में शासन स्तर से उच्च स्तरीय एसआईटी जांच के आदेश दिए गए। वहीं एसएसपी यशवंत सिंह चौहान की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर एसआईटी गठित की गई। आपको बता दें कि पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए जेल भेज दिया गया है। पौड़ी से मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट। दस 2021 को 409 में थाना पौड़ी पर दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ घुड़दौड़ी से शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उस पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, जिनसे कुछ इनसे दस्तावेज मांगे गए थे, इन्होंने वो दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस पर आज जिसके संबंध में श्रीमान डीजीपी महोदय ने एक एसआईटी गठित की थी।